दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग, स्वागत है आपका अपने चैनल डी कॉस इन्फो पे। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मिस्टर डी एस पिस। दोस्तों तो आज जो मैं आपके लिए गाड़ी लेके आया हूं, मारुति की डिजायर गाड़ी। दोस्तों ये अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी है। कि रीजन क्या है, एक तो सेडान गाड़ी है, कॉम्पैक्ट सेडान गाड़ी है, दूसरी चीज क्या है, ये टैक्सी में भी सबसे ज्यादा चलती है और इसका माइलेज बहुत अच्छा खासा मिलता है। इस वजह से इस गाड़ी की डिमांड ज्यादा है दोस्तों, क्योंकि जो ये गाड़ी आपके सामने खड़ी है सीएनजी में भी आती है। तो सीएनजी में आप जब इस गाड़ी को चलाते हैं तो आपका माइलेज और अच्छा हो जाता है और एफिशिएंसी आपकी बढ़ जाती है दोस्तों। तो चलिए जानते हैं इस गाड़ी के बारे में कि इस गाड़ी के क्या क्या फीचर्स और क्या क्या चीजें इसमें आपको मिलती हैं और क्या कि इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो शोरूम से भी फिट की गई हैं। तो जानते हैं इस गाड़ी की चौड़ाई के बारे में। सबसे पहले चौड़ाई ना भी आती है भाई, कितना चौड़ा है तो देख लेते हैं। इस गाड़ी की जो चौड़ाई आती है दोस्तों, वो आती है 1735 mm की, यानी स्विफ्ट के बराबर की ही इसकी चौड़ाई आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। जो इस गाड़ी के लुक्स को और अच्छा कर रहा है, जो इसका क्रोम फिनिश वाली जो यहाँ पे दे रखी है ग्रिल को, अगर आप देखेंगे तो डिसेंट सी क्रोमिंग यहाँ पे आपको इस गाड़ी में मिलेगी देखने के लिए। यहाँ पे आप देखेंगे तो पूरा एक डिजाइन आपको यहाँ पे क्रोमिंग वाला मिल जाता है, जो हाईलाइट करती है इसकी ग्रिल को, जो और अच्छा खासा लुक इस गाड़ी को प्रोवाइड करता है, प्रीमियमनेस यहाँ पे प्रोवाइड करता है। फिर सुजुकी का लोगो आपको मिल जाता है और सेंटर में भी आप ग्रिल में देखेंगे तो क्रोम स्ट्रिप्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती हैं। उसी के नीचे आपको नंबर प्लेट का सेक्शन यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों। फिर यहाँ पे चलते हैं तो हेडलैम्प असेंबली में, हेडलैम्प जो आते हैं इसके प्लेन हेडलैम्प हेलोजन हेडलैम्प यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे, प्लस यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। फिर अगर यहाँ पे भी देखेंगे हेडलैम्प्स में भी आपको क्रोम इंसर्ट का काम यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। फिर यहाँ पे आपको फॉग लैंप्स मिल जाते हैं गाड़ी में, प्लस यहाँ पे आपको ये क्रोम फिनिश यहाँ पे मिलती है। ये जो है ये एसेसरीज का पार्ट है, ये कंपनी फिटेड नहीं आता है दोस्तों इस वाले वर्जन में। VXI वर्जन यहाँ पे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ गाड़ी का VXI वर्जन है। बाकी हुड अगर आप देखेंगे तो प्लेन हुड है, कोई एजिंग और कर्विंग्स यहाँ पे नहीं दे रखी है गाड़ी में। साइड पोर्शन में अगर हम चलेंगे तो साइड पोर्शन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको अलॉय व्हील देखने के लिए मिल जाते हैं, लेकिन दोस्तों इस वर्जन में अलॉय व्हील आते नहीं है, ये भी एसेसरीज का पार्ट है। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी VXI वर्जन अगर अलॉय फिट होंगे तो किस तरीके की दिखेगी। जो ये अलॉय का साइज है दोस्तों, ये 14 inch का यहाँ पे आपको अलॉय का साइज यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। और फिर यहाँ पे आपको फ्रंट में डिस्क पैड भी यहाँ पे मिलते हैं। फिर यहाँ अगर आप देखेंगे तो साइड पोर्शन में यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे डोर में आपको डोर एज गार्निश यहाँ पे लगा रखी है, जो डोर प्रोटेक्टर का भी काम करते हैं जब आप दरवाजा खोलते हैं तो, और कहीं ना कहीं ये आपके डोर्स को भी हेल्प करता है। ये देखिए, जब आप दरवाजा खोलेंगे तो सबसे पहले ये वाला पोर्शन आपका बाहर आता है, तो जिस वजह से आपके डोर में कोई डेंट वगैरह नहीं लगता है, तो ये इसलिए भी हेल्पफुल रहते हैं। और ये एसेसरीज का पार्ट है दोस्तों, आप इसे लगा सकते हैं यहाँ पे शोरूम में, ये लगा रखे हैं एडिशनल एसेसरीज का पार्ट है, इसका आपको एडिशनल पेड करना पड़ेगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको ORVM मिल जाते हैं, ORVM में आपको LED टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, वही जो मारुति अपनी हर गाड़ी में देता है। फिर यहाँ पे आपको ये जो क्रोम पार्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं विंडो में, ये भी एसेसरीज का पार्ट है, ये भी आपको यहाँ पे परचेज करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको डोर वाइजर लगे हुए मिले हैं विद क्रोम फिनिश के साथ, तो ये भी आपका एसेसरीज का पार्ट है, ये आपको परचेज करना पड़ता है दोस्तों। फिर जो बी पिलर आपको यहाँ पे मिलते हैं, ये प्लेन में मिलते हैं, ब्लैक फिनिश में मिलते हैं, जो गाड़ी के लुक्स को अच्छा करते हैं। अगर दूर से अगर गाड़ी की हम देखेंगे तो गाड़ी कुछ दिखने में इस तरीके से लगती है, अगर एसेसरीज आपकी गाड़ी में फिट हुई हो तो काफी अच्छा ग्रेस मारता है। जो इसके डायमंड कट अलॉयज हैं सिल्वर और ब्लैकिंग में, जो गाड़ी के लुक्स को कलर के साथ मैच खाते हैं काफी, जो सिल्वर कलर आपके सामने खड़ा है तो इस कलर के साथ काफी अच्छा खासा मैच और कॉन्ट्रास्ट दे रहे हैं यहाँ पे, जो गाड़ी के लुक्स को और प्रीमियम बना रहे हैं। फिर यहाँ पे अगर डोर हैंडल्स की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये बॉडी कलर आते हैं, ये आप क्रोम एसेसरीज यहाँ पे फिट कर रखी है, जिस वजह से ये थोड़ा सा और प्रीमियमनेस यहाँ पे आपको देता है दोस्तों। तो ये कई सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ पे अच्छी खासी मिलती हैं। अगर गाड़ी की ओवरऑल लेंथ की बात करेंगे तो 3995 mm की गाड़ी की लेंथ आती है। तो जो इस गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलता है वो मिलता है आपको 163 mm का दोस्तों। ये ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा कम है अकॉर्डिंग टू अमेज, जो इसकी राइवल है उसका जो ग्राउंड क्लियरेंस आता है वो 172 mm का आता है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिक्कत लगेगी। बाकी अगर आप बात करेंगे फीचर्स वगैरह में तो सारी चीजें सिमिलर ही हैं, लगभग सेम ही हैं, किसी चीज की कमी आपको नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, अमेज में एक प्लस ऑप्शन यह मिल जाता है कि उसमें आपको डीजल ऑप्शन भी मिलता है यहाँ पे, लेकिन आपको केवल पेट्रोल और CNG का ऑप्शन मिलेगा, जो अमेज में आपको CNG का ऑप्शन नहीं देता है दोस्तों।
चलते हैं बैक पोर्शन में। बैक पोर्शन में देख लेते हैं क्या क्या चीजें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी। बैक पोर्शन में कुछ इस तरीके से देखने के लिए आपको ये मिलती है, बड़ी सी क्रोम ग्रिल आपके इसके बूट में आ जाएगी। ये देखिए ये क्रोम, ये कंपनी फिटेड है, ये आपका एसेसरीज का पार्ट नहीं है। यहाँ पे आपको सुजुकी का लोगो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। कोई कैमरे की प्लेसमेंट आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलती, क्योंकि ये VXI वर्जन है तो इसमें कोई कैमरा नहीं आता है। बाकी पार्किंग सेंसर्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं चार। बाकी यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर भी मिल जाएंगे। फिर टेल लैंप की अगर बात करेंगे तो टेल लैंप पोर्शन देखेंगे तो बैकलाइट का पोर्शन हो गया, ये इंडिकेटर का पोर्शन हो गया, ये रिवर्स गियर का पोर्शन हो गया। यहाँ पे आपको जब आप रिवर्स करेंगे तो तब आपकी ये लाइट यहाँ पे जलेगी। बात करते हैं बूट की, बूट खोलते हैं आगे से। ये देखिए दोस्त, तो यहाँ पर आपको ये CNG की प्लेसमेंट यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है, तो जिस वजह से थोड़ा सा बूट आपका कम हो जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत स्पेस आपको फिर भी यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। अगर फिगर में बात करेंगे बूट स्पेस की तो 378 लीटर का बूट स्पेस आपको मिलता है। हाँ CNG फिट है तो इस वजह से थोड़ा सा बूट स्पेस आपका यहाँ पे कम हो जाएगा। फिर बाकी आप स्टेपनी अगर आप देखेंगे स्पेयर व्हील का, तो स्पेयर व्हील आपको यहीं इसी के नीचे मिलता है। थोड़ा सा काफ़ी कंजस्टेड हो जाता है CNG लगने के बाद दोस्तों, आपको पहले ये निकालना पड़ेगा, फिर आप उसके बाद आप इसका स्पेयर व्हील यूज़ कर सकते हैं इजीली, फिर उसको निकाल सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको एक स्टॉप लाइट भी मिल जाती है, ये देखिए। बाकी यहाँ पर आपको कोई कवरिंग नहीं मिलती, ये आपको पूरा ओपन इस तरीके से देखने के लिए मिलता है यहाँ पर। फिर फ्यूल टैंक की लिड आपको इस साइड में मिल जाएगी। फ्यूल टैंक की अगर कैपेसिटी की अगर बात करेंगे तो जो आपको मिलता है वो 37 लीटर का ही फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको यहाँ पे मिलता है, सेम एज इट इज स्विफ्ट जैसे आपको प्रोवाइड करती है। क्योंकि दोनों गाड़ियाँ हैं, एक स्विफ्ट है, एक स्विफ्ट डिजायर है, ये सेडान में आ जाती है, वो हैच में आ जाती है, लेकिन फ्यूल टैंक कैपेसिटी सेम, लगभग सेम ही मिलती है दोनों गाड़ियों में, बराबर की मिलती है। यहाँ पर आपको CNG के लिए मिल जाता है कि यहाँ पर से आप इसकी CNG वगैरह भी फिल कर सकते हैं। बाकी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसका पूरा लाइसेंस वगैरह सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है, यानी 55 लीटर तक का आप इसके अंदर CNG फिल कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये कंपनी फिटेड है तो इसका कोई चालान वगैरह भी आपका नहीं कट सकता। अब चलते हैं इसके इंटीरियर के अंदर, जान लेते हैं इंटीरियर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, देख लेते हैं एक बार। तो इंटीरियर देखने के लिए थोड़ा सा इसका प्रीमियम मिलता है दोस्तों। अगर आप देखें तो सेडान गाड़ी है तो डुअल टोन कंट्रास्ट यहाँ पे आपको इंटीरियर में देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे वुडन फिनिश में आपको ये देखेंगे तो एक मिल जाता है आपको पैटर्न, जो गाड़ी के लुक्स को थोड़ा सा और इन्हेंस करता है। इस गाड़ी में आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल और एडजस्टेबल ओवियंस भी यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, प्लस 4x4 पावर विंडो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। 1 लीटर का बॉटल होल्डर स्पेस यहाँ पे मिलता है आपको, बाकी वॉलेट वगैरह कैरी करने के लिए यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हाइड्रोलिक में आपको सीट हाइट एडजस्टेबल आपको यहाँ पे मिलता है। बाकी फ्यूल टैंक खोलने के लिए यहाँ पे आपको मिलेगा, और बूट ओपन करने के लिए यहाँ पे आपको स्विच मिल जाता है, और हुड ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाता है नॉब, जिससे कि आप हुड ओपन कर सकते हैं। अगर आप इस साइड देखते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये देखिए ये फ्यूल स्विच का है, यानी आप इसे CNG और पेट्रोल में स्विच कैसे करेंगे, यहाँ पे इस बटन से आप उसको स्विच कर सकते हैं। अगर आपको पेट्रोल में चलाना है तो इस बटन को दबा दीजिए, और अगर CNG में चलाना है तो फिर इस बटन को ही दबा दीजिए। तो यहाँ से आप इसको स्विच कर सकते हैं इजी वे में। तो गाड़ी का अगर इंटीरियर से देखेंगे तो कुछ देखने में इस तरीके से आपको मिलेगा दोस्तों। इसकी चाबी ऑन करके मैं आपको दिखा नहीं सकता, क्योंकि रीजन क्या है कि इसकी चाबी अभी यहाँ पे है नहीं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो स्टीयरिंग व्हील आपको मिलता है, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील मिलता है, ये स्टीयरिंग व्हील ओनली टिल्ट आपको मिलता है, टेलीस्कोपिक यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। ऑडियो कंट्रोल्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे स्टीयरिंग व्हील में ही, और यहाँ पे आपको फोन पिक और कट करने के लिए भी ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। फिर इस पोर्शन में अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको ये जो पोर्शन देख रहे हैं ब्लैक पूरा, तो दोस्तों ये आपका टच पूरा कलर टच म्यूजिक सिस्टम नहीं है, ये टच तो है लेकिन नॉर्मल म्यूजिक सिस्टम आपको मिलता है 2D वाला। ये छोटा सा डिस्प्ले आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये डिस्प्ले आपको यहाँ पे मिल जाता है। उसी के नीचे चलेंगे तो आपको यहाँ पे AC का पैनल मिल जाता है, आपको मैनुअल AC यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। फिर उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको USB का ऑक्स पोर्ट यहाँ पे मिल जाएगा देखने के लिए, प्लस यहाँ पे 12 वोल्ट का अडेप्टर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। फोन की प्लेसिंग यहाँ पे आपको मिल जाती है, प्लस 2 कप होल्डर्स
भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। जो इस गाड़ी के लुक्स को और प्रीमियमनेस देता है दोस्तों, वो देता है इसका ये वुडन फिनिशिंग जो यहाँ पे कंपनी ने दे रखी है ये चीज। और क्योंकि एक तो बीच कलर है, बीच कलर के साथ साथ ये वुडन फिनिश जो दे रखा है थोड़ा सा डुअल कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे दे रहा है, थोड़ा सा एक आंखों में चटकपन यहाँ पे दे रहा है, क्योंकि अचानक से आपकी तरफ मतलब ध्यान अपनी तरफ खींचता है ये, क्योंकि एक डार्क कलर में है, क्योंकि एक लाइट कलर है एक डार्क कलर है, तो कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन बनता है। तो ये चीज एक थोड़ा सा अच्छा आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलेगा। बाकी यहाँ पे आपको हैंडब्रेक का ऑप्शन मिल जाएगा, हैंडब्रेक के ऊपर आपको ये देखेंगे जो टिप है ये भी आपको क्रोम फिनिशिंग में यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। गियर नॉब भी अगर आप देखेंगे तो ये भी काफी अच्छा और स्मूथ यहाँ पे दे रखा है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो एसी, इसके आप देखेंगे तो स्विफ्ट के कंपैरिजन में ये एसी आपका राउंड में नहीं है, ये आपका ऐसे दे रखा है, डिजाइन में दे रखा है। बाकी आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको एक ये मिल जाता है दोस्तों वुडन फिनिश, ये डार्क में तो नहीं है लेकिन हाँ ये भी वुडन फिनिश में ही आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। पियानो फिनिश इंसर्ट यहाँ पे मिलता है, नॉर्मल बहुत सी गाड़ियों में ब्लैक कलर का देते हैं लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज कर रखा है, ये आपको थोड़ा सा एक प्रीमियमनेस यहाँ पे प्रोवाइड करता है। बाकी ग्लोब बॉक्स की अगर बात करेंगे तो ग्लोब बॉक्स आपको देखने के लिए ऐसा मिलता है, कोई कूल ग्लोब बॉक्स यहाँ पे नहीं मिलता है, सफिशियंट स्पेस यहाँ पे आपको इस गाड़ी में देखने के लिए मिल जाता है। बाकी यहाँ पे ORVM ये मैनुअली है आपका, इसमें कोई कैमरा वगैरह फिट नहीं कर रखा है। बाकी रीडिंग लैंप्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं, अभी कोई फंक्शन नहीं कर रहा, जल नहीं रहे हैं। बाकी टिकट होल्डर यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। इस गाड़ी में थाई सपोर्ट भी आपको अच्छा खासा मिलता है, प्लस ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों ये सीट कवर्स कंपनी फिटेड नहीं है, ये आपका ये एसेसरीज का पार्ट है, एसेसरीज में आप इसे फिट करवा सकते हैं। अगर हेडरूम स्पेस की बात करें तो हेडरूम स्पेस अच्छा खासा है, कम नहीं कहूंगा, ये भी ठीक है एज इट इज, जैसे स्विफ्ट का था, स्विफ्ट के मुकाबले थोड़ा सा कम में से जरूर कहूंगा, उसके बराबर नहीं कहूंगा क्योंकि उसमें हेडरूम स्पेस काफी अच्छा खासा मिल रहा था दोस्तों, यहां पर उतना नहीं मिल रहा है। तो ये चीज था इसका फ्रंट का। बाकी चलते हैं इसका रियर पोर्शन में जान लेते हैं, रियर पोर्शन में क्या क्या चीजें आपको देखने के लिए मिलती हैं। अब आ गए इसके रियर पोर्शन में, रियर पोर्शन में अगर आप देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, एक कंफर्ट जोन वाला फील दिलाएगा, वो दिलाएगा आपका ये आर्मरेस्ट 2 कप होल्डर के साथ, यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है, प्लस यहाँ पे आपको डिटेचेबल हेडरेस्ट भी मिल जाते हैं इस वाले वर्जन में, और प्लस आइसोफिक्स का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है, आइसोफिक्स सीट के लिए भी आपको यहाँ पे एक हुक मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आप देखेंगे तो रियर एसी वेंट भी आपको यहाँ पे दिया गया है, फैन की स्पीड भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, 12 वोल्ट का अडेप्टर यहाँ पे दे रखा है, बाकी एक फोन होल्डर या कुछ भी चीज आप यहाँ पे कैरी कर सकते हैं, वॉलेट है वो भी चीज आप यहाँ पे कैरी कर सकते हैं। डोर्स में अगर आप देखेंगे तो डोर्स में भी स्पीकर की प्लेसमेंट आपको यहाँ पे मिल जाती है, 1 लीटर बॉटल होल्डर स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाता है, एक छोटा सा स्पेस और यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। बाकी वही चीज है, सेम पैटर्न है जैसे फ्रंट डोर में था, वही पैटर्न यहाँ पे भी दे रखा है। यहाँ पे आपको देखेंगे तो वुडन फिनिशिंग यहाँ पे मिल जा रहा है, क्रोम फिनिशिंग यहाँ पे मिल जा रहा है, लेकिन रियर पोर्शन में आपको ये हार्ड प्लास्टिक मिलता है, जो फ्रंट में आपका थोड़ा सा फैब्रिक का दिया था, जो आपको सॉफ्टनेस यहाँ पे जो आपको प्रोवाइड करता है दोस्तों। बाकी यहाँ पे भी आपको रीडिंग लैंप देखने के लिए मिल जाएगा सेंटर पोर्शन में, लेकिन ये काफी सेंटर में है क्योंकि पीछे तक का इसका नहीं, अगर यहाँ पे अगर ये देते तो ज्यादा अच्छा रहता कि शाम जो पीछे बैठे उनके लिए रीडिंग करना कोई भी चीज अच्छे इजिली हो जाता। बाकी अगर हेडरूम स्पेस की अब बात करें तो आपको दिख रहा होगा हेडरूम स्पेस कितना है, आप ही बताइए कि क्या आपके लिए ठीक है या कम है। मेरी हाइट 5.7 की है तो मेरे हिसाब से तो मेरी हाइट के लिए ठीक है, अगर हाँ कोई मेरी हाइट से ज्यादा है तो उनके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है हेडरूम स्पेस के लिए। बाकी नी रूम स्पेस अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा खासा नी रूम स्पेस भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है, तो काफी अच्छा सारा केबिन स्पेस आपको इस गाड़ी में देखने के लिए मिलता है, केबिन स्पेस में कोई कमी नहीं है। लुक्स अगर आप देखेंगे तो गाड़ी का कुछ इस तरीके से फ्रंट का लुक आपको दिखता है। अब चलिए जान लेते हैं इसके इंजन के बारे में कि इंजन में क्या क्या पावर आपको इस गाड़ी में देखने के लिए मिलती है, तो चलिए चलते हैं इंजन की तरफ। तो अब हम आ चुके हैं इसके इंजन बे में, अगर इसके इंजन बे की अगर हम बात करें, ये CNG भी है और आपका पेट्रोल भी है। पेट्रोल का अगर मैं आपको बता दूं तो आपको 89 BHP की पावर देता है, 113 Nm का टॉर्क आपको प्रोवाइड करता है, और अगर CNG में बात करूं, अगर आप इसको CNG में चलाएंगे तो यहीं पे जो आपकी BHP हो जाती है 76 BHP आपको यहाँ पे मिलती है 6000 RPM में, और 98.5 का न्यूटन मीटर टॉर्क मिलता है
4300 RPM में। तो थोड़ा सा पावर की कमी आपको यहाँ पे तब लगती है जब आप इसे CNG में चलाते हैं। हाँ, ये अल्टरनेट भी है, क्योंकि अगर आप इसे फ्यूल में चलाएंगे तो आपको अच्छा खासा पावर भी आपको मिल जाएगी 89 BHP की 6000 RPM में। और जो टॉर्क मिलेगा वो आपको 113 Nm का टॉर्क मिलेगा 4400 RPM में। तो काफ़ी अच्छा खासा पावर आपको वहाँ पे मिल जाती है। लेकिन हाँ, इसमें माइलेज आपको अच्छा खासा मिल जाता है दोस्तों। अगर इसकी माइलेज की अगर आप बात करेंगे, CNG में जो माइलेज आपको मिलता है वो 25 प्लस का माइलेज मिलता है, और अगर इसे पेट्रोल में चलाएंगे तो 20 प्लस का माइलेज आपको यहाँ पे गाड़ी ये प्रोवाइड करती है। ABS, CVT वगैरह वो सारी चीज़ें आपको इस गाड़ी में देखने के लिए मिल जाएंगी। चलिए अब कर लेते हैं एक फाइनल वॉक अराउंड गाड़ी के बारे में। तो ये थे कुछ गाड़ी के फीचर्स जो मैंने आपको बताया दोस्तों, कि इस गाड़ी में क्या क्या चीज़ें आती हैं और क्या क्या चीज़ें एडिशनल लगा रखी हैं। तो आपको मेरी जानकारी कैसी लगी दोस्तों, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपका प्यार जरूर मुझे बताइएगा दोस्तों, वो किस तरीके से कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिस वजह से कि आपको मेरे न्यू अपडेट्स मिलते रहें दोस्तों। तो ओवरऑल आपको कैसी लगी गाड़ी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।